नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक न्यू चैप्टर, एक नया पार्ट ऑफ इंग्लिश वोकैब। और बच्चों, इस चैप्टर का नाम है ग्रुप्स। Today we will learn some words related to groups. आज हम उन words को पढ़ेंगे जो किसी न किसी group से संबंधित हैं, या कह सकते हैं ये collective nouns के हम लोग पढ़ेंगे कुछ। We will discuss some collective nouns. तो आइए बात करते हैं groups या collective nouns। तो पहला word आपका है audience। रेटन्यू, बैंड, बैच, बैटरी, बेंच, बेबी, ब्लॉक, कारवां। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को कि क्या सीखा आपने। दीज आर द ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हैं या कलेक्टिव नाउंस हैं। जैसे आपका पहला वर्ड है ऑडियंस। बच्चों, ऑडियंस का मतलब होता है A group of listeners। बच्चों, listeners में श्रोता, तो श्रोताओं के समूह को audience कहते हैं। The next word is retinue, means होता है, अब देखिए ये हो जाता है a group of, और किसका group है? Assistants, group of assistants में सहायक, सहायकों का समूह। Band होता है a group of म्यूजिशियंस, मतलब संगीतकारों का समूह। बैच होता है ग्रुप ऑफ पपिल्स। बच्चों, पपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के समूह को, जैसे हम लोग ऑफलाइन के बैच बनाते हैं, ऑनलाइन के बैच बनाते हैं, बैच मीन्स समूह, पपिल्स का। बैटरी भी होता है अ ग्रुप ऑफ लार्ज गन्स, बड़ी बड़ी बंदूकों का समूह। बेंच होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट्स। बेबी मिस होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। ब्लॉक मिस होता है ग्रुप ऑफ हाउसेस, मकानों का समूह, किसी कॉलोनी के मकानों के समूह को ब्लॉक करते हैं। और कारवां होता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग पीपल, जो लोग यात्रा करते हैं उसके समूह को कारवां कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ और नए वर्ड्स। और नेक्स्ट वर्ड आपसे है क्लिक, सर्कल, क्लैक, क्लस्टर।
कॉलोनी। कॉन्वाय। कॉन्फ्रेंस। चलिए कॉन्ग्रीगेशन। ओके लेट्स डिस्कस। पहला वर्ड क्लिक। क्लिक मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ persons of a body। किसी body की body मीन्स होता है जैसे कि लोगों का समूह होता है, society होती है, तो उस body के लोगों के समूह को क्लिक कहते हैं। circle मीन्स होता है a group of friends। दोस्तों के समूह को जैसे कहते हैं हमारी सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में कोई इंसान नहीं है, तो सर्किल में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्लैक मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ अप्लॉडर्स। बच्चों अप्लॉडर्स मतलब होता है वन हु प्रेजेस अदर्स, जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों के समूह को क्लैक कहते हैं। क्लस्टर मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप के समूह को कहते हैं। कॉलोनी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल या कंट्री अंडर फॉरेन रूल, विदेशी हुकूमत के अधीन लोगों को या देश को कॉलोनी कहते हैं। कन्वॉय होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स और बसेस, बसेस या ट्रक के समूह को कॉन्वॉय कहते हैं। कॉन्फ्रेंस होता है ग्रुप ऑफ पीपल इन अ मीटिंग, मीटिंग में लोगों के समूह को कॉन्वॉय कहते हैं। और कांग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों के समूह को कांग्रीगेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट वर्ड्स। आप लोग भी इन वर्ड्स को प्रॉपरली नोट किया करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स करते हैं। और बच्चों अगला वर्ड आपका है क्रू। हैमलेट। हर्ड। स्कूल। सिंडिकेट। टीम। कैटलॉग। चलिए फर्स्ट वर्ड इज क्यू। क्यू मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। जो सेलर मीन्स नाविक, नाविकों के समूह को क्यू कहते हैं। पानी के जहाज पर क्यू मेंबर्स होते हैं। हैबिट होता है अ ग्रुप ऑफ होम्स इन अ विलेज, किसी गांव में घरों के समूह को हैमलेट कहते हैं। हर्ड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूह को हर्ड कहते हैं।
स्कूल होता है ग्रुप ऑफ थिंकर्स, विचारकों को, विचारक में जो थिंक करते हैं, ऐसे विचारकों के समूह को स्कूल कहते हैं। सिंडिकेट होता है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, सौदागरों के समूह को सिंडिकेट कहते हैं। टीम होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। और कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बुक्स या लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की सूची को कैटलॉग कहते हैं। तो दोस्तों ये थे वर्ड्स अबाउट ग्रुप्स। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।